नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कमल ककड़ी के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। कमल ककड़ी में समृद्ध पोषण तत्व शामिल है। इसके कुछ फायदों में पाचन सुधारने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्तचाप को कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, कैंसर के विभिन्न रूपों को रोकने, अवसाद से राहत, रक्त परिसंचरण में वृद्धि और शरीर में उचित एंजाइमिक गतिविधि बनाए रखना आदि शामिल है। इसमें विटामिन, खनिज और पोटेशियम, फॉस्फोरस, तांबे, लोहा और मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे आप सब्जी और अचार के रूप में बनाकर खा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। कमल ककड़ी के फायदे। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए कमल ककड़ी अंगों के ऑक्सीजन को बढ़ाने और कार्यक्षमता तथा ऊर्जा के स्तर में वृद्धि के लिए में ब्लड सर्कुलेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कमल ककड़ी एक बढ़िया तरीका हो सकता है। कमल ककड़ी आयरन और कॉपर से भरा हुआ है और ये लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के अभिन्न अंग है। इससे विकसित रक्तचाप के लक्षण को कम करने और जीवन शक्ति तथा रक्त प्रवाह बढ़ाना देने में मदद मिलती है। पाचन। कमल ककड़ी कब्ज के लक्षणों को कम कर सकता है। फाइबर से भरपूर कमल ककड़ी पाचन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे खाने से मल त्याग में कोई कठिनाई नहीं आती है। ब्लड प्रेशर को कम करे कमल ककड़ी। कमल ककड़ी में पाए जाने वाले पोटेशियम का महत्वपूर्ण स्तर शरीर में तरल पदार्थ के बीच एक उचित संतुलन सुनिश्चित करता है और हमारे खून में सोडियम के प्रभावों का भी प्रतिकार करता है। पोटेशियम रक्त वाहिकाओं की संकुचन और कठोरता को कम कर देता है। इससे रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर तनाव कम हो जाता है। आपके मूड को सुधारे कमल ककड़ी मस्तिष्क में तंत्रिका रिसेप्टर्स के साथ सीधे संपर्क करता है, जो मनोदशा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। यह चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और तनाव के स्तर को नियंत्रित करता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत। जब हम कमल ककड़ी की पोषक तत्व सामग्री के बारे में बात करते हैं तो विटामिन सी निश्चित तौर पर सबसे प्रमुख होता है। विटामिन सी कोलेजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हमारे रक्त वाहिकाओं, अंगों और त्वचा की अखंडता और शक्ति को कायम रखता है और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी प्रमुख उत्तेजक है। इसके अलावा इसे खाने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती और यह संक्रमण से बचाता है। इसको खाने से हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। वजन को रखे कंट्रोल। कमल ककड़ी पोषक तत्वों और फाइबर में भरपूर रहता है। वजन प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह कम कैलोरी वाली होती है, जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व और फाइबर होता है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। विटामिन ए का स्रोत। कमल ककड़ी में एक अन्य आवश्यक विटामिन ए पाया जाता है, जो त्वचा, बाल और आंखों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो घावों को ठीक करने, त्वचा की स्थिति और सूजन को दूर करने में मदद करता है। कमल ककड़ी के नुकसान। एक, यदि किसी को कमल ककड़ी खाने एलर्जी होती है, इसे खाने से बचें। दो, कमल ककड़ी को कच्चा खाने से बचें। इससे बैक्टीरिया शरीर में जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डनके की चोट पा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।